पहले कोई भी फल फ्रूट लो, उसे पहले अलग रखो, फिर उसे अच्छे से धो। तो मैं सारे बर्तन धोने के बाद ही फल फ्रूट दूध वगैरह धोती हूँ। इधर फ्रेंड्स इधर काम भी कर रही थी, तब तक दूध उबल गया और यानी एक्स्ट्रा काम मेरा बढ़ गया। तो अभी मैं दाल बॉयल करने जा रही हूँ सांभर के लिए। तो हाफ कटोरी दाल ली हूँ और 2 कटोरी पानी, थोड़ा सा तेल डाल के मैं उसे 2-3 सीटी लगा दूंगी। फ्रेंड्स तो देखिए सुबह से 9 बज रहे हैं, थोड़ा स्पीड में बढ़ा दी हूँ अपना वीडियो का। तो आज मैं जल्दी काम इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरा पूरा किचन का जो वीडियो शूट करती हूँ वो देखिए, जिसके कारण से क्या जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ और नीचे का काम हो जाएगा फिर ऊपर जा कर के करूँगी। तो देखिए अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। ये पोछा का माप पता है कब का है? ये 2013 अप्रैल का है, पर ये अभी पिछले साल लॉकडाउन से काम आ रहा है मुझे। और मैं ऐसे ही करती हूँ नीचे का, यानी पूरा कंप्लीट हो गया तब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बैठूँगी, थोड़ा मोबाइल लूँगी, देखूँगी, उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी। तो झाड़ू पोछा और ऊपर से नहा धोवा करके फिर नीचे आऊँगी। तो जैसे देखिए मैं अब आ गई हूँ नीचे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? अभी देखिए मेरा काम हो गया है तो मैं सोची थोड़ा सा बैठ लूँ, यानी कि अभी 1:15 हो रहा है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि यार थोड़ा वीडियो शूट करना है, खाना बनाना है और आप लोग के लिए ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो अभी तो कुछ कंटेंट ही नहीं है ना, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कहीं शॉपिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो क्या वीडियो बनाओ? तो जो घर का रूटीन होता है वही दिखा देती हूँ, शायद आप लोग को पसंद आता है या नहीं वो मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि कमेंट्स भी नहीं आते हैं तो हमें पता चलेगा, लाइक भी नहीं है कि हमें पता चलेगा, व्यूज़ तो आते हैं, किसी में आते हैं किसी में नहीं आते, तो कोई बात नहीं। चलिए मैं किचन में जा रही हूँ, आज बना रही हूँ सांभर। चलिए अब हमारे किचन में, और बहुत सारे वीडियो थोड़े बने हुए पड़े हैं, पड़े वो धीरे धीरे डालूंगी क्योंकि डेली तो कर ही रही हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में क्योंकि आज मुझे सांभर और चावल खाने का मन है, वो भी खट्टा खट्टा सांभर। तो चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं दिखाई थी आपको कि जब मैं काम कर रही थी उसी टाइम दाल चढ़ा दी थी, मेरी दाल तो अच्छे से बन गया और इमली भी गोली हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ दाल इस तरह से, देखिए ये दाल तो पूरा अच्छे से पक गया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा वीडियो दिखा देती हूँ कि मैं सांभर कैसे बना रही हूँ, क्योंकि दूर से पता नहीं चलेगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, गरम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाली हूँ और इसमें 1/2 टीस्पून मेथी है और 1/2 टीस्पून से कम सौंफ है, और 4-5 लाल मिर्च डाल दें और उसमें 2 पिंच हींग डालें और 1/2 कटोरी नारियल पाउडर, अगर फ्रेश नारियल हो तो वो डालें। फिर इसे अच्छे से आप फ्राई कर लें। इसे अच्छे से फ्राई करके थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है सांभर का। देखिए दरदरा पीस ली हूँ। अब फिर कढ़ाई, उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाली हूँ, राई जीरा और मेथी का तड़का है और हींग का भी तड़का डालूंगी, अदरक लहसुन भी है, 2 पिंच हींग भी डालूंगी और अदरक लहसुन डाल करके 1/2 टीस्पून लहसुन है, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। फिर जब ये इसका कच्चापन जब दूर हो जाएगा फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून या 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से निर्भर करता है कितना बना रहे हैं, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सबको मैं डाल दूंगी और साथ में 1 चम्मच पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लूँगी। मैं अभी फ्लेम मीडियम रखी हूँ। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा, देखिए तेल छोड़ दिया है, तो इसमें लौकी, भिंडी, आलू, प्याज ये सब डाल करके फ्राई कर लेंगे। सब्जी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छे से ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक इसे मैं भूनूंगी, स्लो नहीं, मीडियम हाई फ्लेम पे। और साथ में फ्रेंड्स मैं बैंगन डालना इसमें भूल गई थी, तो बैंगन भी डाल दूंगी। तो इधर दाल भी देखिए अच्छे से ये बिल्कुल गल गया है दाल, और इसमें थोड़ा पानी डाल के यानी 1 कटोरी पानी और डाल करके इसे उबाल रही हूँ और नमक भी डाल दी हूँ, और इधर सब्जी भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब ये सब्जी देखिए, बैंगन डाली ना मैं भूल गई थी उस टाइम, तो ये सब्जी जब अच्छे से फ्राई हो जाए ना तो इस आप कुकर में फिर ये सब्जी ट्रांसफ़र कर दीजिए और
उसके बाद इसे मैं एक सीटी लगाऊंगी और साथ में पाउडर भी डाल रही हूँ जो मैं कोकोनट का पाउडर बनाई हूँ, और इसमें सांभर पाउडर भी 1 टीस्पून डाल दीजिए, और नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें, नमक और मिर्च हमेशा अपने स्वाद के हिसाब से डालें, फिर इसे अच्छे से मिला करके एक सीटी लगने दें इसे, तो आपका सांभर बिल्कुल रेडी हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, सांभर जो मैं बनाई ना, तो मैं अब इसको थोड़ा सा एक सीटी लगा दूंगी तो सब्जी भी अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए नींबू, मैं नींबू क्या मैं बोलती हूँ कुछ पता भी नहीं चलता है, ये इमली है, इमली को मैं पानी में भिगो दी थी, तब इसे मैं बाद में डालूंगी। अभी मुझे दूसरा वीडियो भी शूट करना है क्योंकि ईद स्पेशल, तो जिसके लिए मैं फटाफट सारे किचन फिर से सेट कर लेती हूँ, यानी कि खत्म कर लेती हूँ किचन का ये काम अभी, उसके बाद फिर वो वीडियो भी शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी अलग से डालूंगी क्योंकि साथ में तो कोई देखेगा भी नहीं, बोर हो जाएंगे सब लोग ऐसे भी। तो चलिए मैं पहले सारा फटाफट काम कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और उसके बाद काम भी कर रही हूँ, तो हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो रहा है और न्यू रेसिपी की तैयारी भी चल रही है और साथ में वीडियो भी बन रहा है। तो थैंक यू आप लोगों को, जो आप लोगों की वजह से मैं आज इतना काम निपटा रही हूँ, और डेली ऐसे ही मुझे करना पड़ता है, ये आज का नहीं है डेली का है। अगर जल्दी काम नहीं निपटाएंगे तो आप लोग के पास डेली ब्लॉग और रेसिपी कैसे जाएगा। और ये तो अभी दोपहर का टाइम है, मैं रात में भी जाग करके बहुत काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब रात में करती हूँ, तो बस ये साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि दूसरी रेसिपी स्टार्ट होगी ना, तो उसके लिए सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि खाना अभी 50-50 हुआ है, अभी तो बाकी है। तो चलिए फिर मैं बाद में फिर मिलती हूँ, पहले काम निपटा लूँ, स्पीड बढ़ा बढ़ा के मैं वीडियो का चेक कर रही हूँ, वॉइस में ऊपर से डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आप देखिए ना, मैं कितनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाई, घर का लंच भी बनाई हूँ, अभी अभी बाकी भी है, पर मुझे थोड़ा सा सीट कोरमा बनाना है ना, ईद स्पेशल कल ईद है इसलिए। तो देखिए मैं सारा तैयारी करके रखी हूँ, अब मैं इसकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो अब इसकी रेसिपी मैं बनाऊँगी, तो चलिए मैं बाद में फिर आपसे मिलूँगी, बाय बाय। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो जब शूट होता है ना तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगता है सब सेट करने में, तो अभी देखिए थंबनेल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, यानी कि प्लेटिंग की तैयारी कर रही हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से मेहनत करना पड़ता है और तब जाकर के आप लोग के पास वीडियो पहुँचता है, इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब फ्रेंड्स देखिए वीडियो शूट हो गया, तब मैं अपने लिए चावल बना रही हूँ, यानी घर के लिए। तो चावल ये 1 केजी का पैकेट है, RCM से लेकर आई थी, मेरे घर में लगभग सारा RCM का ही रहता है, और ये जीरा भी अभी ज़रूरत था तो मैं निकाल ली हूँ। वीडियो शूट हो गया है, पर अब जा करके मैं थोड़ा इसे टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है, और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, देखिए 2 बज गया है। आसान बता देती हूँ कि जो भी लोग वीडियो शूट करते हो, बहुत मेहनत लगता है और टाइम बहुत जाता है, और घर का भी सारा काम देखना होता है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। हम लोग माँ बेटी टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टेस्टी बना है, और मैं फर्स्ट टाइम बनाई भी हूँ, तो 10 मिनट में जब तक चावल भी फूल गया, अब मैं चावल बना लेती हूँ। पर मेरी बेटी को चावल नहीं खाना है, रोटी खाना है, तो मैं उसके लिए रोटी सेक रही हूँ, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा फ्री भी हो जाऊँ, रेस्ट भी करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है, 10 मिनट का वीडियो होता है, पूरा दिन निकलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कारण कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे चैनल पे जो नए लोग देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। अब फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहाँ पे इन करती हूँ, क्योंकि 3 बज गए हैं और भूख से बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, तो क्या 3 बजे तो भूख तो लगेगी ना। तो अभी देखिए चलते चलते आपसे बातें भी हो गई और मेरा ब्लॉग भी बन गया, तो आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय बाय, थैंक यू, फिर न्यू वीडियो में मिलूंगी रेसिपी या ब्लॉग के साथ। ये फ्रेंड्स सांभर बिल्कुल रेडी हो गया है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है,
तो मैं ये थोड़ा सा निकाल दी हूँ अपने हस्बैंड के लिए साइड से, क्योंकि वो इमली वाला नहीं खाते हैं। तो मैं अभी इसमें इमली डाल के उबाल दी थी। फ्रेंड्स अब देखिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ और सांभर भी एक कटोरी गरम गरम ले आई हूँ, क्योंकि मुझे सांभर, मुझे खट्टा चीज़ ऐसे बहुत पसंद है। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। आप देखे होंगे कि मैं काम करती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो करना ही है, कहीं आना जाना तो है नहीं, और सारे काम घर में खुद अकेले ही करना है। तो चलिए बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए उस टाइम मैं बताई कि भूख लगी थी ना, पर मैं एक कटोरी सांभर पी ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खट्टा खट्टा, तो कढ़ी सांभर मुझे बहुत पसंद है। तो पेट बहुत भर गया, तो अब मैं सोच रही हूँ ना, काफ़ी लेट भी हो रहा है और हस्बैंड का टाइम भी 1 घंटे बाद आ जाएंगे, तो मैं अब थोड़ा सो लेती हूँ। और क्योंकि नींद भी आ रही है, काफ़ी थकान सी हो गई, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू कर रही थी ना इस वजह से। तो चलिए फिर से बाय बाय। अभी देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि अचानक मुझे कहाँ जाना पड़ गया, अब वो भी 4:30 बजे शाम में।